सपनों का, एक महल हो सपनों का। राजू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, बोलो। मैं जानती हूँ कि मुझे तुम्हारे घर के मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन पता नहीं, तुम्हारे घर के साथ एक अपनापन सा लगता है, इसीलिए दिल में एक बात आई है। हाँ तो बोलो। तुमने घर के हालात के बारे में क्या सोचा है? घर के हालात के बारे में मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि सोनल भाभी के ठीक हो जाने के बाद क्या करने का सोचा है? फिर तो बस मजे ही मजे। डॉक्टर साहब कहेंगे कि सोनल भाभी की छुट्टी, बस बैंड बाजे के साथ नाचते गाजते हमारी सोनल भाभी को ले आएंगे घर पे, और क्या। नहीं, सोनल भाभी को तो इस घर में आना ही है। फिर मैं किसी और की बात कर रही हूँ। किसकी? भारती। उसका क्या? वो तो चली जाएगी, वैसे भी वो तो कॉन्ट्रैक्ट के तहत आई है ना। हाँ, 11 लाख के कॉन्ट्रैक्ट के तहत तो आई है। हाँ तो हम कहाँ मना करेंगे, मारेंगे उसके मुंह पे 11 लाख और भगा देंगे उसको। वो मान जाएगी? हाँ ऑफ कोर्स। अरे वो तो खुश हो जाएगी, उसको तो बच्चा दिए बिना ही 11 लाख मिलने वाले हैं ना। हाँ हमारे 11 लाख बेकार जाएंगे, मगर फिर भी हम दे देंगे, वादा किया है तो मुंह कर नहीं जाएंगे। फिर मामा जी, क्या वो मान जाएंगे? हाँ बिल्कुल, कल ही मेरी बात हुई है, वो राजी हैं। और भारती, उससे क्या कहोगे? उसे कहेंगे भारती मैडम थैंक यू, चलो सोनल भाभी आ गई, अब तुम्हारी छुट्टी, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय टाटा सी यू, फुटा देंगे। राजू ऐसे थोड़ी होता है, बस कह दिया फूट लो भाग लो, ऐसा नहीं होता राजू। क्यों? अच्छा मुझे एक बात बताओ, उसे इस घर में कौन लाया था? तुम ही लोग लाए थे ना? तुम्हारी जरूरत थी इसलिए तुम इसे इस घर में ले आए, और अब जरूरत नहीं है तो बस कह दिया कि भाग लो फूट लो। नहीं राजू, एटलीस्ट उसे प्यार से तो विदा करना चाहिए। ठीक है, तो जब वो जा रही होगी तो उसके चरणों में फूल बिछाएंगे और स्मोक इफेक्ट देंगे। राजू तुम उसे जोकी। अरे भाई प्यार से ही विदा करेंगे, पर देखो पल्लवी, वैसे भी भारती को जाना है ही, और ये तो सोचो कि बच्चा सौंपते वक्त उसे जो तकलीफ होती उसे तो नहीं गुजरना पड़ेगा, उसे उसका तो फायदा ही फायदा है ना। नहीं राजू, तुम इतनी जल्दी डिसीजन मत लो। क्यों, क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ ठीक ही तो है। ठीक लगता है लेकिन ठीक है नहीं, इसलिए शांत रहो और जो होता है देखते जाओ। हालात इतने आसान नहीं है जितने तुम समझ रहे हो। बिल्कुल अच्छी है। हाँ, बाद में फोन करता हूँ। तुम अभी तक जाग रही हो? हाँ मैं आपकी राह देख रही थी। हाँ वो हॉस्पिटल में जरा देर हो गई। कोई प्रॉब्लम था? नहीं प्रॉब्लम नहीं, सोनल के साथ बातें करते करते वक्त कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। सोनल कैसी है? अच्छी है, बहुत बड़बड़ करती है। डॉक्टर ने कहा बहुत बड़बड़ करोगी तो मुंह पर पट्टी मार दूंगा, तो उसने कहा कोई बात नहीं मैं पट्टी निकाल दूंगी। और फिर डॉक्टर ने कहा देखो अब ज्यादा बड़बड़ करोगी तो मुंह सी दूंगा, तो उसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं मैं करके बड़बड़ करूंगी। आप नहा लीजिए, मैं पानी गर्म करती हूँ। नहीं मुझे नहाना नहीं। क्यों? आप हॉस्पिटल से आए ना, वहाँ जर्म्स होते हैं, इन्फेक्शन लग जाएगा, नहा लीजिए। ठीक है। ये लीजिए, मैं खाना गर्म करती हूँ। नहीं मुझे खाना नहीं खाना है। क्यों? मैं खाना खा कर आया हूँ। हॉस्पिटल में? नहीं वो बगल वाली होटल में, पापा ने कहा तो मैं। कौन पापा? सोनल के पापा। अच्छा, आपके एक्स ससुर जी? हाँ। मतलब उन्होंने कहा तो मैं मना नहीं कर सका। अगर आप बाहर से खाकर आने वाले थे तो मुझे बता देते, मैं आपकी वेट नहीं करती। मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है मेरी वेट मत किया करो, तुम खाना खा लो। ठीक है,
आगे से ऐसा कुछ हो तो मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं आपकी वेट ना करूं। माँ आओ तो सही। अरे कहाँ ले जा रही हो बेटा? अरे आप देखो तो सही। लेकिन है क्या ये तो बताओ। मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ ना। क्या दिखा रही हो? ये देखो ये पेंटिंग कैसी है? अच्छी है लेकिन ये तूने बनाया क्या है? सोचो तो सही। भाई मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ ये स्वस्तिक है। ये देखो ये ऑरेंज कलर की लाइन है ना ये जो जा रही है। ओ, अरे हाँ अरे वाह बेटा ये तो बहुत अच्छा बनाया पेंटिंग। माँ पता है मैंने ये स्वस्तिक क्यों बनाया है? क्योंकि ये शुभ होता है। हाँ बेटा और मैं ये पेंटिंग है ना सोनल भाभी को देने वाली हूँ। मैं उन्हें देकर कहूंगी कि आपके आने वाले हर दिन आपके लिए शुभ होंगे। कब आ रही है वो? पता नहीं। पता नहीं का मतलब? अभय ने अभी तक कुछ बताया नहीं। इसका मतलब आप अभी तक हॉस्पिटल नहीं गई है? नहीं घर में बहुत सारे काम थे बेटा। माँ काम तो होते रहेंगे और फिर काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है या सोनल भाभी? आप तो उन्हें मिलने भी नहीं गए हैं। उन्हें कितना बुरा लगेगा। उसकी चिंता तुम मत कर। मैंने अभय से बात कर ली है वो सोनल को समझा देगा। माँ आप इस तरह की बात क्यों कर रही है? किस तरह की बात कर रही हूँ बेटा? तुम कुछ बदली बदली सी लग रही हो। सोनल का ठीक होना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? ऐसा मैंने कहा? उल्टा ये तो खुशी की बात है कि सोनल ठीक हो गई। लेकिन लेकिन मुझे तो चिंता भारती की हो रही है। उसके मन पर क्या बीत रही होगी? अरे उसका तो दिल ही टूट गया। माँ उसने उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था सो एक दिन तो उसे जाना ही था। और फिर उसने जो कुछ भी किया वो सिर्फ पैसों के लिए किया। तो इसमें दिल विल या फीलिंग्स ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। माँ देखो बेटा पैसों के लिए ही तो हर कोई काम करता है लेकिन इंसान आखिर इंसान होता है। अरे हमारे घर के नौकरों से भी हमें इतना लगाव हो जाता है कि हम उन्हें बच्चों की तरह रखते हैं। ऑफिस में प्यून के घर का कोई बीमार हो गया तो हम उसे एक्स्ट्रा पैसा भी देते हैं। और फिर ये तो माँ तो एक काम करो ना उसे 11 लाख के बजाय 12 लाख दे दो बस बात खत्म। फिर भी जिसे हम बहू बनाकर घर में लाए हो उसे इस तरह से विदा करना पड़े इसका मतलब? माँ वो तो कभी ना कभी तो करना ही था ना। लेकिन मेरे मन में तो कुछ और ही बात थी। क्या? मैं सोच रही थी कि भारती जैसी इतनी अच्छी बहू मिली है तो उसे क्यों ना हम हमेशा के लिए घर में रख ले। अरे उसने तो अभय का दिल भी जीत लिया था। लेकिन अब तो हालत ही कुछ बदल गए हैं। भगवान जाने अब क्या होगा। गंगा गंगा जी भाभी यहाँ पर हूँ। ओ तो महारानी जी यहाँ है? जी हाँ कपड़े सुखा रही थी कुछ काम था। काम? काम तुम करती कहाँ हो? तुम्हें तो सिर्फ मुफ्त की पगार चाहिए। क्या तकलीफ है आपको? एक हो तो बताओ। पगार दो बोनस दो त्यौहार पर एक्स्ट्रा पैसे दो फिर भी तुम्हारा मुख खुला का खुला। घर की चीजें खुद के लिए इस्तेमाल करती हो तुम्हारे कपड़े भी हमारे साबुन से धोती हो। एक मिनट आपको जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहिए। सताने देने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों बुरा लगा? जी हाँ बुरा तो लगेगा ना अगर आप ताने देगी तो। पगार लेती हो ना तो सुनना पड़ेगा। किसी की बातें सुनने का पगार नहीं लेते हम। और काम भी तो नहीं करते और जो कुछ करती हो वो भी ऐसा जैसे हम पे मेहरबानी कर रही हो। आखिर आपको तकलीफ क्या है भाभी? मैंने तुमसे अभय की शर्ट धोने के लिए कहा था ना। वो तो मैंने धो दी। ऐसी ऐसी धोई है तुमने? क्यों साफ तो है। मैंने तुमसे कहा था कि इसे सिर्फ पानी से निकालना निचोड़ना मत। देखो तुमने क्या किया है। अब इसका पैसा क्या तुम्हारा बाप भरेगा? भाभी
मेरे बाप पर मत जाइए। और आप कौन होती मुझे ये सब सुनाने वाली? आप इस घर की मालकिन नहीं है, इस घर की असली मालकिन तो अब आने वाली है, समझेगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भारती के साथ इस तरह बात करने की? हाँ माँ जी, इन्होंने ही... चुप करो, मैंने सब कुछ सुन लिया है। बदतमीजी की भी गुहार होती है, और हमने तुम्हें अपने घर में रखा, इतने एहसान किए तुम पर, कभी तुम्हारी हैसियत का एहसास नहीं दिलाया हमने, और आज तुम हो के मेरी बहू को ये कह रही हो कि वो कौन होती है? अरे तो तुम कौन होती हो ऐसा कहने वाली? हाँ जाने दीजिए बाजी, बेचारी नादान है। नहीं भारती, आज इसे अपनी हैसियत याद दिलानी होगी मुझे, बहुत सर पर चढ़ गई है। जाने दीजिए ना, जो हो गया सो हो गया। देखा देखा, ये फर्क है इसमें और तुझ में। अरे अरे, इस बेचारी के साथ तो हाल आपने धोखा किया है, तो हम दद्दी के दो शब्द कहने के बजाय ऊपर से तुम ताने मार रही हो। इसी वक्त निकल जाओ मेरे सामने से, और हाँ दोबारा अगर ऐसा कुछ किया ना तो मैं अब जाओ यहां से, जाओ। आपको इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए था, देखिए ना बेचारी रोती रोती गई। नहीं, इसी लायक थी वो, नौकर होकर मालिक के सामने जबान चलाती है। माँ जी, ये लोग तो गिरे हुए होते ही हैं, इनके साथ क्या हम भी गिर जाएं? फिर उनमें और हमें फर्क क्या रहेगा? हाँ बेटा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन लेकिन अगर किसी ने तुम्हें कुछ कहा तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी बेटा, हरगिज नहीं। हेलो। हेलो, मैं भारती से बात कर सकती हूँ? कौन बोल रहा है? जी मैं गीता बोल रही हूँ। हाँ गीता बहन, कैसी हैं आप? मैं पन्ना बोल रही हूँ। अच्छी हूँ, आप कैसे हो? हाँ बस ठीक ही हूँ, मुझे लगा कि आप ही का फोन होगा शायद, और कोई तो फोन करता ही नहीं उसे। बस मैंने तो यूं ही हालचाल जानने के लिए फोन किया था। एक मिनट, हाँ मैं बुलाती हूँ भारती को। भारती, तुम्हारे लिए फोन है। और सुनाइए गीता बहन, कैसा चल रहा है आपका मैरिज ब्यूरो? बस भगवान की दया से ठीक ठाक चल रहा है। एक मिनट, हाँ ये लो गीता बहन। हाँ गीता बहन, कैसी हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ, तू बता कोई नई खबर? हाँ पुलाव बना रही थी। खाने की नहीं, घर की बात कर रही हूँ, घर में क्या चल रहा है? चल रहा है? नहीं नहीं, मैंने गैस बंद किया है। अरे ये क्या फोन में पुलाव पका रही है तू? बाजू में कोई है क्या? हाँ पन्ना भाभी है ना, गई नहीं। हाँ उसे जरा फोन दे। हाँ हाँ बोलिए गीता बहन। पन्ना बहन, मैं एक बात कहना तो भूल ही गई, सोनल की खबर सुनी ना तो मुझे बहुत खुशी हुई। बस भगवान की दया है। हाँ भगवान करे जल्दी अच्छी हो जाए। आप दुआ कीजिए बस। हाँ हाँ हाँ, मेरी दुआ तो है ही। हाँ अब जरा फिर से भारती को फोन देंगे। हाँ एक मिनट। हाँ बोल। मैं बाद में फोन करूंगी। नहीं नहीं वो गई अभी। क्या हुआ, आगे कुछ सोचा, क्या करना है? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब संभालूंगी। मैंने एक ऐसा हल ढूंढा है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। जिंदगी कैसी है पहेली आए, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। राजू ये क्या हो रहा है? हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने। वाह राजेश खन्ना वाह। राजू तुम ये क्या गा रहे हो? नहीं गलत गा रहा था एक्चुअली। अभी तो तेरा आशिक है सदियों पुराना, चाहे तू माने भाभी चाहे ना माने। राजू प्लीज स्टॉप इट, तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों एकदम फिल्मी स्टाइल में आ रहे हो?
क्या बताऊं भाभी, आजकल लाइफ में सब इतना फिल्मी हो रहा है तो आज फिल्मी गाना गाने को दिल कर रहा था। क्यों, किसकी लाइफ में ऐसा फिल्मी हुआ है? सबकी। हर एक की कहानी एक हिंदी फिल्म है और हर एक की कहानी में ट्विस्ट आता है। देव साहब। अच्छा, मेरी लाइफ में क्या ट्विस्ट आया है? अरे भाभी, आपकी लाइफ की कहानी में तो ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट आया है कि उस पर तो एक सुपरहिट हिंदी फिल्म बन सकती है। अच्छा, लेट मी थिंक। देखो, मैं हनीमून के लिए जा रही थी, राइट? फिर यहाँ हॉस्पिटल में आ गई। हाँ, ये भी एक ट्विस्ट है। लेकिन मैं हनीमून के लिए जा रही थी तो हॉस्पिटल में कैसे आ गई? एक्सीडेंट हुआ था या कुछ और? प्लीज राजू बताओ ना, क्या हुआ था? नहीं भाभी, जहाँ ट्विस्ट होता है वहाँ थोड़ा सस्पेंस तो होता ही है, इसलिए इस सस्पेंस को फिलहाल सस्पेंस ही रहने दीजिए, ओके? लेकिन क्या सस्पेंस है? हाँ, अगर वो सब बता दे तो मजा क्या रहेगा? हाँ, मगर इतना जरूर कहूंगा कि आपको जब ये सस्पेंस के बारे में पता चलेगा तो आप निरुपा रॉय बन जाएंगी, ओके? Come on, राजू, तुम ये क्या क्लूज दे रहे हो? सीधे सीधे बताओ ना कि ये निरुपा रॉय का क्या मतलब है? मतलब इटर्नल मदर। ये क्या भारती, कहीं जा रही हो? हाँ भाभी, जहाँ मुझे कुछ महीनों बाद जाना था, अपने घर। किसी ने कुछ कह दिया क्या? कोई कुछ कहे, इससे पहले ही चली जाऊं तो अच्छा है ना? मतलब तुम? हाँ भाभी, अब सोनल की याददाश्त वापस आ गई है, इस घर में मेरा कोई काम नहीं और एक ना एक दिन तो जाना ही था। भाभी, आप मेरी एक बात मानेंगी? क्या? मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। देखिए, आप मना मत कीजिएगा। क्या देना चाहती हो? ये चांदी का सिक्का। लेकिन भारती, देखिए भाभी, इनकार मत कीजिए। मैं तो सबके लिए लाना चाहती थी लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। भारती, ये तुम माँ जी को क्यों नहीं देती? माँ जी तो मुझसे बड़ी है और मैं कुछ माँ जी को दूँ ये अच्छा नहीं लगता। अच्छा भाभी, चलती हूँ। इस घर में बहुत प्रेम मिला, सोचा था आप लोगों की सेवा करूँगी लेकिन नसीब में ही नहीं था। अच्छा, जा रही हूँ। हम भी तुम्हें बहुत याद करेंगे, कभी कभी फोन करती रहना। क्या फोन करती रहना? हाँ, और भारती, तुम मुझसे पूछे बिना ही जा रही थी? माँ जी, मैं तुम अगर मुझे पूछती ना तो भी मैं तुम्हें जाने नहीं देती। भारती, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, कहीं नहीं। माँ जी, लेकिन वकील खुश नहीं बनना। मैं तुम्हारी सास हूँ या तुम मेरी सास हो, फैसला मैं करूंगी या तुम? भारती, तुम जाओ और अपना सामान रख दो। नहीं माँ जी, मैं इस घर में नहीं रह सकती। नहीं, मैंने अभी अभी कहा ना तुमसे कि मैं तुम्हारी सास हूँ, अगर पन्ना की सास हूँ तो तुम्हारी भी सास हूँ। मेरा फैसला तुम्हें मानना ही पड़ेगा। देखो भारती, हम तुम्हें यहाँ कॉन्ट्रैक्ट करके घर की बहू बना के लाए थे, अब तुम्हें इस घर की बहू बन के ही रहना होगा, इसलिए मैं कह रही हूँ जाओ, अंदर जाओ, जाओ। सपनों का एक महल हो सपनों।